जय मसीह की सबको, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शन को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुल्ला जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा आज का पवित्र वचन है, अनुग्रह पहचान के द्वारा होता है। जैसे एक पत्रस एक अध्याय उसके दो आयत में लिखा, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि शिमोन पत्रस पर प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रकट किया था कि तेरी उम्र इतनी होगी कि तू परमेश्वर में बुढ़ापे में सोएगा। इसीलिए उसने कहा कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मेरे मर जाने के बाद भी तू मेरी बातों को याद कर सको। इसीलिए उसने यह पत्री लिखी थी और इसमें उसने एक आशीष दी है। उसने कहा कि परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए। हालेलुया। ग्रीक भाषा में पहचान का मतलब होता है एपिग्नोसिस, जिसका मतलब अगर आपका जन्म मसीह घराने में हुआ है तो आप पहले से ही मसीह को जानते हैं। इसमें तुम अनुग्रह नहीं पा सकते, तुम्हें उसे अपने जीवन में निजी तौर पर पहचानना पड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए एक योजना है, आपको ऊंचा करने की और आपको चंगा करने की योजना है, पर उस योजना को प्रायोगिक रूप से लागू करने के लिए तुम्हें अनुग्रह चाहिए, जो आपके जीवन में तब आता है जब आप बाइबल के वचनों को मानते ही नहीं बल्कि उनको अपने जीवन में लागू भी करते हैं, तब आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे जीवन में नया अनुग्रह दूंगा और आपका लेवल बढ़ाऊंगा। और खुदा का एक महान प्रेरित तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें शांति मिले, किसके द्वारा? परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। दाऊद को जब राजा होने के लिए शमूएल ने मसा किया तो 30 साल तक वो सिर्फ यहूदा गोत्र का ही राजा बना, जबकि इसराइल के 12 गोत्र थे, क्योंकि उनको लेने का अभी उसके पास अनुग्रह नहीं था। और जब वह 37.5 साल का हुआ तब वह पूरे इसराइल का राजा बना, क्योंकि तब उसके पास पूरा अनुग्रह था। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मेरी हजूरी में चलता जा, कर सिद्ध होता जा, मेरी पहचान में बढ़ता जा, प्रायोगिक रूप से मुझे समझता जा और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने कहा कि तू अनुग्रह में बढ़ेगा तो बरकत में बढ़ेगा, तू सब चीज़ों में बढ़ेगा, पर वह अनुग्रह तब तुम्हारे जीवन में आएगा जब तुम प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ोगे और उसे अपने जीवन में लागू करोगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की शांति और अनुग्रह आपके ऊपर आए, परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपको ऊंचा करे और आपके परिवार को बढ़ाए, तो परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू करें, पाप से दूर रहे, क्योंकि आप अपनी ही बातों के द्वारा दोषी, अपनी ही बातों के द्वारा निर्दोष ठहरते हैं। इसीलिए हमेशा परमेश्वर के वचनों पर चले और उसकी पहचान में बढ़ते जाएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। प्रार्थना, यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि मैं आपके वचनों पर चल सकूँ और आपकी पहचान में बढ़ती जाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।